प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जो 31st इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी कॉन्फ्रेंस, इसके लिए आप यहाँ दूर दूर से इकट्ठे हुए हैं। जो आज का टॉपिक है, लव वे टू लास्टिंग हैप्पीनेस, प्रेम एक तरीका जो सदा सदा के सुख पाने का है। जब प्रेम की बात होती है तो फिर हम सबको संत कृपाल सिंह जी महाराज की बहुत याद आती है। वो बार बार फरमाया करते थे कि इफ़ यू नो हाउ मच आई लव यू, यू विल बी डांसिंग विद जॉय। कि अगर आपको मालूम हो कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ तो आप नाचना शुरू कर देंगे, झूमना शुरू कर देंगे। वो हम लोगों से बहुत प्रेम करते थे, वो चाहते थे कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। वो जानते थे कि हम इंसान, हम प्रभु से दूर हो गए हैं, हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं लेकिन दुनिया की ओर है। वो जानते थे कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, पा सकते हैं। वो जानते थे कि प्रभु की आवाज़ हम तक पहुंचती है, हम सुनते नहीं। वो चाहते थे कि प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएं, इसीलिए हमसे बहुत प्रेम करते थे। और जब हम उनकी ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी की शुरुआत से ही वो चाहते थे कि हर एक इंसान का ध्यान प्रभु की ओर हो। छोटी सी उम्र में जब उन्होंने 10वीं पास की, मैट्रिकुलेशन पास की, तो उस नतीजे पर पहुँचे कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि प्रभु को पाना सबसे पहला काम होना चाहिए, बाकी ज़िंदगी में सब कुछ उसके बाद हो। और उस ओर उनकी ज़िंदगी लगी रही और उस ओर ये उनके कदम बढ़ते चले गए। वो चाहते थे कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुँचे। वो जानते थे कि हमें मदद चाहिए और इसीलिए उनका प्रेम, उनका दिखाया हुआ रास्ता लाखों करोड़ों लोगों को आज अपनी मंजिल की ओर लेके जा रहा है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो संत कृपाल सिंह जी महाराज को बड़े नज़दीकी से जानते थे, जो चंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह देते थे, उन्होंने एक जगह इस गज़ल के ज़रिए समझाया है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज का प्यार हम सब के लिए कैसा था, वो किस लिए आए थे, उन्होंने हम सबको क्या दिया। और उनका बताया हुआ रास्ता हमें अपनी मंजिल की ओर कैसे लेके जा सकता है। तो इस गज़ल के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो प्रेम, जो हमें सदा सदा का सुख चैन देता है, वो प्रेम प्रभु का प्रेम है। उस रास्ते पर चलने के लिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया की ओर करने को कहा। तो इस गज़ल के कई शेर हैं जिनके ज़रिए अलग अलग पहलू जो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने खोले ताकि हम प्रभु के प्रेम को जान सकें, पहचान सकें, उसके साथ जुड़ सकें और उसके साथ जुड़ते हुए अपने कदम तेज़ी से प्रभु की ओर बढ़ाएं, उस रास्ते पर हम चल पाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, ये सारी गज़ल संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में उन्होंने कही है, फरमा रहे हैं कि सुरूर और नूर के चश्मे बहा दिए तूने, कि सुरूर और नूर के चश्मे
बहा दिए तूने, जहाँ ते खार वहाँ गुल खिला दिए तूने। के मस्ती और रोशनी जागृति के चश्मे संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हम सब के लिए खोल दिए। वो जानते थे कि जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे हम मस्ती के आलम में होंगे। वो जानते थे कि जो प्रभु हैं जिनके सच्चित और आनंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रभु का सत और चित कॉन्शियसनेस और सच्चाई का आलम सबको मालूम है, लेकिन आनंद की अवस्था कोई कोई जान पाता है। मस्ती का आलम, प्रभु से प्रेम का आलम, प्रभु में यकीन का आलम, वो अवस्था जिसमें कि हम ये जानें कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, उनका सहारा हमारे साथ है, उनका हाथ हमें दुनिया की दलदल में से निकाल देगा, इतना विश्वास होना, तो फिर इंसान मस्ती से ज़िंदगी जीता है। वो निडर हो जाता है, उसे कोई फिक्र नहीं। फिक्र इंसान को तब होता है जब उसे लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब ये यकीन हो जाए कि पिता परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं और उनके प्रेम का हमें अनुभव हो जाए, तो हम ज़िंदगी निडर होकर जीते हैं। और ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए ही महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने सरूर और नूर के चश्मे बहा दिए तूने, कि जो जागृति कर दी, जो अंधेरा था उसमें रोशनी कर दी, और मस्ती के आलम में आपने हमें पहुंचा दिया, क्योंकि आपने हमें प्रभु के प्रेम के साथ जोड़ दिया, और जहां थे खार वहां गुल खिला दिए कौन है। तो ज़िंदगी की बातचीत कर रहे हैं कि ये ज़िंदगी कांटों से भरी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार, कि हम जिधर देखते हैं कोई ना कोई दुख सबको लगा हुआ है। किसी को शारीरिक दुख है तो किसी को मानसिक दुख है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हर एक इंसान को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। तुलसी साहब ने फरमाया कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक ना एक दुख सबन को सुखी संत का दास। तो सुखी कौन है? जो किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंच जाता है। तो सुखी कौन है? जिन्हों के ऊपर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की नजरे करम पड़ी, जिन्होंने उनके प्रेम का अनुभव किया, जिन्होंने उनके बताए हुए रास्ते पर कदम बढ़ाए, वो सब प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हुए सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी जी पाते हैं। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि जहाँ थे खार वहाँ गुल खिला दिए तूने, कि जो अगर आप सोचो एक बगीचा है, वहाँ सब जगह कांटे हैं, तो क्या होगा? जैसे ही आप जाते हो, एक कांटा यहाँ चुभ गया, एक यहाँ चुभ गया, एक यहाँ चुभ गया, एक पैर में चुभ गया, कि जहाँ थे खार की दुनिया में तो कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है, वहाँ गुल खिला दिए तो वहाँ फूल ही फूल हो गए, वहाँ मधुर मधुर सुगंध, और ऐसा आलम जहाँ कोई तकलीफ ना हो। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हम आम इंसानों की हालत को दर्शाया। वो फरमाते हैं कि हमें खुशी मिली भी तो आरजी मिली। आरजी का मतलब होता थोड़ी देर के लिए, कि हमें खुशी मिली भी तो आरजी मिली, लेकिन जो गम मिले वो गमे जावेदा मिले। लेकिन जो तकलीफें हैं वो ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो ये दुनिया जिसमें कि हम गमों से घिरे हुए हैं, इसमें सदा सदा का सुख चैन कैसे पाएं? उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज आगे फरमा रहे हैं कि हयाते सादा के असबाक दे के आलम को, हयाते सादा के असबाक दे के आलम को, तलूफात के पर्दे उठा दिए तूने।
तो समझा रहे कि कैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें सदा सदा के सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए समझाया। हयाते सादा के सादी जिंदगी, संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, कि जिंदगी को सादा करें, सादी जिंदगी जिए, ऐसी जिंदगी जिसमें कि ध्यान प्रभु की ओर हो, जैसे कहा जाता है गुड थिंकिंग एंड हाई लिविंग, कि सोच विचार इंसान के सही हों। जब सोच सही होंगे तो बोल सही हो गए, जब बोल सही होंगे तो कार्य सही होंगे। तो विचार हमारे कैसे हैं उन पर निर्भर होता है कि हम कैसे ज़िंदगी जिएंगे, एक सादी जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी। और फरमाने के तलुफात के पर्दे उठा दिए, तो उनके जो दिखावा है उससे हम दूर रहें, कि आपने हमें वो रास्ता दिखाया जो सादगी का रास्ता, वो रास्ता जिसमें हम जाने कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, हम सब एक ही लेवल पर हैं, हम सब नम्रता से जिए, जहाँ हुमे ना हो, ईगो ना हो। वो रास्ता संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें समझाया, एक बनो नेक बनो, कि नेकी को इख्तियार करते हुए एक ही का रास्ता अपनाएं, प्रभु से एक मेक हों, उसके लिए नेक जीवन जिए। तो यहाँ समझा रहे हैं एक सादी जिंदगी जिसमें कोई दिखावा ना हो, जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हों, सच्चाई से जिए, नम्रता से जिए, प्रेम से जिए, करुणा से जिए, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। आगे फरमा रहे हैं और बताया कि ये जो टीचिंग्स हैं इनको उन्होंने हमें समझाया कैसे, तो आगे फरमा रहे हैं कि सुना के शब्द किया सैखो बिरमनन यकरंग। तो क्या जो हमारे अंदर शब्द चल रहा है, जैसे अन्न शब्द कहा गया, जिसे नाद कहा गया, इसे सेलेस्टियल म्यूजिक कहा गया, होली वर्ड कहा गया, नाम या शब्द कहा गया, कि भारी रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अंदर से हम सब एक ही हैं, हम सब के अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उस शब्द के जरिए सारी सृष्टि रचेगी, उस शब्द के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हम वापस अपने निर्धाम सचखंड प्रभु के गोद में पहुँच सकते हैं, प्रभु से एक में हो सकते हैं। और वो शब्द कैसे सुना, ये दिव्य चक्षु को खोल कर, नाम देन क्या है, उनकी तवज्जो जो हमें उन्होंने दी ताकि ये दसवां द्वार खुले और फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हों, शब्द के साथ जुड़ें और अपने आप को अपने सही रूप में पाएं, ताकि हम जाने कि हम सब एक ही हैं, एकता, लव, यूनिटी एंड पीस। जहाँ प्यार होगा वहाँ ही एकता होगी, और जहाँ एकता होगी वहाँ शांति होगी, जहाँ प्यार नहीं होगा वहाँ पे द्वेत होगा, और जहाँ पे द्वेत होगा वहाँ पे हलचल ही हलचल रहेगी। तो सिंपल मैसेज कि लव यूनिटी एंड पीस, कि इंसान प्रभु को प्रेम करे, एक दूसरे से मिले, प्रभु से मिलाप होगा तो सबसे मिलाप होगा, और शांति शांति होगी तो सुख चैन होगा। हमें बार बार समझाते हैं कि हम सब एक ही पिता की संतान है, कि एक पिता एक इसके हम बालक, कि हम सब एक ही हैं, भारी रूप अलग अलग हो सकते हैं, भाषाएं जो बोलते हैं अलग अलग हो सकती हैं, जो कपड़े पहनते हैं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक ही हैं। और उसी एकता को वो चाहते थे कि हम जाने पहचाने, उसका अनुभव करें। आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जहे नसीब हमेशा की जिंदगी के राज, वो कह रहे हैं कि ये हमारी खुशकिस्मती है। जहे नसीब का मतलब कि ये आपकी मेहरबानी हुई, हमारी खुशकिस्मती है, प्रभु की देन है, कि जहे नसीब हमेशा की जिंदगी के राज, कि वो जिंदगी जो इटर्नल है, जो सदा सदा की जिंदगी है, जो आत्मिक जिंदगी है। एक तो ये शारीरिक जिंदगी है, हम इस धरती पर आते हैं, शरीर रूप से पैदा होते हैं,
जितनी जितनी सांसें मिली उतने उतने साल जी कर चले जाते हैं। कोई 50 साल में जाता है, कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, कोई 80 साल में, कोई 100 साल में, अलग अलग सांसें सबके लिए हैं, अलग अलग समय सबने जाना है। लेकिन एक सदा सदा की जिंदगी है जो आत्मिक जिंदगी है, उस जिंदगी का राज क्या है वो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हम सबको समझाया और कह रहे हैं ये हमारी खुशकिस्मती थी कि आपने हम पर दया मेहर की कि जहे नसीब हमेशा की जिंदगी के राज जहाने फानी में हमको बता दिए तूने। कि ये जो जहान है, जो इम्परमानेंट है, जो रहने वाला नहीं, जब जब परले आता है तो पिंड आंड और ब्रह्मांड ये तीनों के तीनों मंडल खत्म हो जाते हैं, जब महापरले आता है तो पार ब्रह्म भी खत्म हो जाता है। तो फरमा रहे हैं कि ये जो मंडल है जिसमें माया है, जो पिंड का देश है, ये धरती आसमान है और कई गैलेक्सीज हैं, इसमें हम आए हुए हैं कि ये फानी है, ये नाशवान है, ये रहने वाला नहीं, कि इसी जहाने फानी में हमको बता दिया तूने कि ये जिंदगी जो कि इम्परमानेंट है, जो कि सदा सदा के लिए रहने वाले, इसमें सदा सदा की जिंदगी का राज आपने हमें समझा दिया कि हमारी आत्मा अमर है, वो सदा सदा के लिए रहती है। ये समझ तब आती है जब ये दिव्य चक्षु खुलता है, जब अंदर की दुनिया में हम बढ़ने के लायक होते हैं, जब सबके साथ जुड़ते हैं और जब अंदर की दुनिया में रसाई करते हैं और अंदर में हमें शब्द के साथ मेल जोल होता है, तब जाके समझ में आता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ध्यान बाहर से हटके अंदर की ओर। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाई, के सब कुछ हमारे भीतर है, हम बाहर ढूंढते रहते कुछों को, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और धोखे फरेब की दुनिया में हम फंस जाते हैं। सब कुछ इंसान के भीतर है, यही हमें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने सीख दी है। और आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज को और खोल के समझा रहे हैं, पर मारे सुनाए नगमे रूहानी पिलाई अजली में, कि नगमे कौन से सुनाए, अनहर शब्द जो किसी उंगलियों से नहीं बचता, किसी मुंह की जबान से नहीं बचता, जो प्रभु ने सृष्टि के शुरुआत में शुरू करा, वो हम सबके भीतर भर चल रहा है, हमें अंतर्मुख होना है। जब ये दिव्य चक्षु खुलता है फिर हम उस शब्द को सुनने के लायक हो। जो आध्यात्मिक नगमे हैं, जो आध्यात्मिक संगीत है वो सुनाया, पिलाई अजली में, अजली का मतलब होता है जो सृष्टि के शुरुआत से शुरू हुई थी, कि वो सरा जिसने सारी सृष्टि रची वो आपने हमें पिला दी, हमें मस्ती के आलम में पहुंचा दी, हमें सदा सदा का प्रेम दिलवा दिया, हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। कि सुनाए नगमे रूहानी पिलाई अजली में, रूहानियत के खजाने लुटा दिए तूने, कि जो आध्यात्मिक रास्ता है वो आपने हमें दिखा दिया, जो हमारे अंदर प्रभु ने खजाने दिए हुए हैं वो आपने हमें दिखा दिए, वहाँ जाना कैसे है, उनसे जुड़ना कैसे है और अपनी मंजिल तक पहुँचना कैसे है। और आगे फरमा रहे हैं कि है मस्त आँखें तेरी दो छलकते पैमाने, कि जो हमारे सद्गुरु की आँखें होती हैं ये दो डिवाइन पूल्स ऑफ नेक्टर हैं, ये छलकते हुए पैमाने हैं जहाँ से रूहानियत हम तक आती है। बार 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 संत कृपाल सिंह जी महाराज सत्संगों में फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स टू द आइज ऑफ द मास्टर, के 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है हमारी सदगुरु की आंखों से आता है। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज उसी को समझा रहे हैं कि है मस्त आँखें तेरी, कि आपकी आँखों के जरिए ही प्रभु का जो दिव्य अमृत है वो हम तक आता है। कि है मस्त आंखें तेरी दो छलकते पैमाने, मिला के नजरें नशे सब पिला दिए तूने। कह रहे हैं कि आपने जब अपनी नजरें हम पर डाली, जब नजरें कर्म किया, आपकी दया दृष्टि हम पर पड़ी, तो जितने भी मस्ती के आलम हैं प्रभु को पाने के, वो सब के सब आपने हमको दे दिए।
कि हमें प्रभु के प्रेम की मस्ती में सरोबोर कर दिया, से भर दिया, और फिर उस मस्ती के आलम में हम पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाने के लायक हो गए। और आखिर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, है तेरे मेरो करम का करिश्मा ए कृपाल। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि है तेरे मेरो करम का करिश्मा ए कृपाल, के ये आपकी दया मेर है जिसका ये करिश्मा हुआ है मेरी ज़िंदगी में, खुदा के बंदे खुदा से मिला दिए तूने, कि हम जो प्रभु के बंदे हैं, परमात्मा के बंदे हैं, जो प्रभु से अलग हो गए थे, हमारा ध्यान मन इंद्रियों के घाट पर बाहर की दुनिया में जा रहा था, कि आपने करिश्मा किया, आपने दया मेर की, आपने करिश्मा किया कि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर किया और हमारी ज़िंदगी सफल कर दी। हम सब इस धरती पर अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए आते हैं, यही हमारा एम है, यही गोल है। और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेर हम सब पर हुई कि हम उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने के लायक हुए। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के लिए इकट्ठे हुए हैं मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि वो रास्ता जो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल पाएँ, हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें और हम अपने आप को प्रभु के अंग संग बहुत ही जल्दी पाएँ। जैसे महाराज श्री कह रहे हैं कि हम विश्व में आए हैं, हम मानव हैं, तो हम शांति का संदेश दें, सारे विश्व एक होकर के जिएं, नेक बन कर के जिएं, सद्भावना से जिएं, सौहार्द से जिएं, एक दूसरे का आदर करने वाले हों, प्रेम से रहने की तरकीब आनी चाहिए। इसके लिए हम कहेंगे एक से प्रेम करो, जहाँ निर्गुण निराकार ये जो माँ का चक्र है, माँ महाया के अंदर हम लोग, कुछ लोग विद्वान गिन लिए जाते हैं, कुछ लोग अज्ञानी गिन लिए जाते हैं, कुल अल्पज्ञ गिन लिए जाते हैं, लेकिन वेद का मंत्र कहता है कि आओ साधना की ओर बढ़ो। मैं संत मत के इस नाद को, कि उन्होंने एक साधना की पद्धति दी, एक विचार दिया और साथ में मेडिटेशन दिया कि आओ साधना करें। किसकी साधना करें? महाराज श्री ने आज वो भी कहा कि वो साधना करें जो इन मटेरियल से भी बड़ा हो, आकार से भी बड़ा हो, ऊष्मा से भी बड़ा हो, गर्मी से भी बड़ा हो, और साथ में शांतिता से भी बड़ा हो, माया से भी बड़ा हो, उस मायातीत आनंद ब्रह्म की ओर चले, जिसका अभी महाराज श्री ने कहा इस आनंदमय जीव को हम लोग उस आनंद से मिलाने का प्रयास करें जहाँ किसी प्रकार का दुख, दुखों के इस संयोग को कोई मिटा दे। एंड द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस दैट मास्टर्स मेक इज टू लीव the lap of God and come down here so that we all can find our way home. They continued to sacrifice throughout their lives, giving, always giving, showing great discipline, so that when that one moment came that a soul was ready, the Master could appear. In his great sacrifice, we found our salvation. Masters say that love emanates from the heart of the beloved, and he attracted us with his love so that we stopped pushing in the wrong direction.
He granted us initiation, saving us, burning our karmas, and putting us in the right direction. And throughout our lives, he gives his protection. Always his arms are around us. His disciples learn that love is everything. And love for the guru transforms into love for the whole creation. आज हम सबके लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है आप और हम इस आध्यात्मिक सम्मेलन में यहाँ पे एकत्रित हुए सद्गुरुदेव महाराज के चरणों की रज जो बड़े भाग्य से मिलती है 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव शरीर ये चोला मिला है हम बोलते हैं कि स्वर्ग कहाँ है मैं आपसे कहता हूँ स्वर्ग कहीं नहीं है स्वर्ग यही है जो आप देख रहे हैं संतों का समागम ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है On this 31st Human Unity Conference, our seminar for today is on Love, the Way to Lasting Happiness. Love is the God power manifested that transforms everything to happiness. Love is by many considered as the strongest force in the universe. Many saints have even said that love is the creative power. Love for God is what unifies us with our soul. In the physical world, we have conditional love, which means sweet is my will. And if you do what I want, I will love you. The saints gives you a very different type of love, which is unconditional love. 31st Antarrashtriya मानव एकता सम्मेलन की इस पावन बेला पर परम आदरणीय परम श्रद्धे अध्यात्म की ऊर्जा से परिपूर्ण महान संत राजेंद्र सिंह जी महाराज साहब के सानिध्य में यह महान सम्मेलन देश विदेश से आए हुए लाखों लोगों की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है आज का जो विषय रखा है लव टू लास्टिंग हैप्पीनेस बहुत ही सुंदर विषय धर्म और अध्यात्म का अगर कोई प्राण है तो वो है प्रेम प्रेम ही परमात्मा है और प्रेम जिसके जीवन में है वहीं से मानवता की शुरुआत होती है ये मानव एकता सम्मेलन है एकता कैसे आती है या तो सब में परमात्मा को देखो और सबको परमात्मा में सब में परमात्मा को देखो तो एकता आ जाएगी या सब में अपनी आत्मा को देखो आत्मा में सबको देखो तो एकता आ जाएगी या जे सब परमात्मा के बंदे बैठे हैं इनकी निष्काम सेवा करो तो एकता आ जाएगी एकता सम्मेलन है जो सब में परमात्मा को देखता है परमात्मा में सबको देखता है ये भक्ति योग से प्रेम से एकता आएगी और जो सब में आत्मा को देखता है आत्मा में सबको देखता है उसको वेदांत के ज्ञान से आएगी परिच्छिन्नता का बाद हो जाएगा और जो सबको परमात्मा का देखता है परमात्मा के बंधनों को देखता है इनकी निर्लिप्त भाव से सेवा करता है तो एकता आ जाएगी आज बड़ा ही सौभाग्य मिला है कि आज मातृशक्ति पुरुष शक्ति अनेक धर्मों के लोग अनेक आत्माओं का एक संगम लगा है संगम शरणम गच्छामि एक आत्माएं नहीं अनेक आत्माओं का संगम लगा है संगम शरणम गच्छामि ये अनेक आत्माओं का संगम जिसे त्रिवेणी कहा जाता है वो किनके अध्यक्षता में किनके सानिध्य में लगा है हमारे परम पूजनीय संत राजेंद्र सिंह जी के सानिध्य में आज एक संगम देखने को लग रहा है
आज बड़ा ही मुख्य विषय है। इस विषय का नाम ही है कि लव वे टू लास्टिंग हैप्पीनेस।